हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस एडिटिंग। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लाइटरूम में रेड एंड ब्लैक टोन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लाइटरूम मोबाइल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपनी पिक्चर इंपोर्ट कर लेनी है लाइटरूम में। इसके बाद अपनी पिक्चर को क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसके बाद जाना है लाइट्स पे। लाइट्स में जाके कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। और हाइलाइट्स को माइनस की तरफ लेके जाना है। -39 सही है। शेडोज को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। वाइट्स को माइनस की तरफ लेके जाना है। और ब्लैक्स को इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद जाना है कर्व पे। कर्व के जाने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा फेडेड लुक देना है, तो लास्ट वाले पॉइंट को होल्ड करके थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। और यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद जाना है कलर्स के, उसमें टेम्परेचर को रख लेना है तकरीबन 6, वाइब्रेंस को रखना है तकरीबन 30, और सैचुरेशन को रखना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा बस डिक्रीज करना है, -10 सही है। इसके बाद जाना है कलर मिक्स पे। रेड की सैचुरेशन को रखना है, थोड़ा सा इंक्रीज करना है। और ल्यूमिनेंस को माइनस करना है, -10 सही है। इसके बाद जाना है ऑरेंज कलर पे। इसकी सैचुरेशन को माइनस की तरफ लेके जाएंगे। -36 और ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। इसके बाद जाएंगे येलो कलर पे। येलो कलर की ह्यू को कर देंगे -100 एंड सैचुरेशन को भी कर देंगे -100 और ल्यूमिनेंस को कर देंगे तकरीबन -20। इसके बाद जाएंगे ग्रीन कलर पे। ग्रीन कलर की सैचुरेशन को कर देंगे -100 और ल्यूमिनेंस को कर देंगे तकरीबन -35। इसके बाद जाएंगे सियान कलर पे। सियान कलर की भी सैचुरेशन को कर देंगे -100। इसके बाद जाएंगे ब्लू कलर पे। ब्लू कलर की सैचुरेशन को भी कर देंगे -100 और ल्यूमिनेंस को कर देंगे -31। इसके बाद जाएंगे पर्पल कलर पे। पर्पल कलर की भी सैचुरेशन को कर देंगे -100 और पिंक कलर की सैचुरेशन को भी कर देंगे -100 और यहाँ से आके डन कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी पिक्चर बिफोर थी, ये है आफ्टर। इसके बाद हम जाएंगे कलर ग्रेडिंग पे। शेडोज पे क्लिक करेंगे। शेडोज की ह्यू को रखेंगे हम 210 और सैचुरेशन को रखेंगे तकरीबन 10। नीचे आएंगे, नीचे आके ब्लेंडिंग को कर देंगे 100। इसके बाद जाएंगे हाइलाइट्स पे। हाइलाइट्स की ह्यू को इंक्रीज करेंगे तकरीबन 253
और सैचुरेशन को रख लेंगे 8 और यहाँ से आके 10 कर देंगे। इसके बाद जाएंगे एफएक्स पे, एफएक्स का टेक्सचर रखेंगे 10, क्लैरिटी रखेंगे 10, डीए इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं 15 सही है, रिग्नेट को थोड़ा सा माइनस कर देंगे, -21, मिड पॉइंट को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, -10, -11 सही है। इसके बाद जाएंगे शार्पन पे और थोड़ा सा शार्पन कर देंगे, नीचे आएंगे नॉइस रिडक्शन पे, थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, तो हमारी ब्लैक एंड रेड टोन रेडी हो चुकी है। देखा, ये थी हमारी पिक्चर बिफोर, ये हो गई आफ्टर, ये थी बिफोर, ये थी आफ्टर। अब हम इसकी सिंपल जाएंगे 3 डॉट्स पे, इसकी सेटिंग को कॉपी कर लेंगे, टिक कर लेंगे और हमारी इस पिक्चर में 3 डॉट्स पे जाएंगे वापस से और कर देंगे पेज सेटिंग। तो जस्ट 1 क्लिक में हमारी पिक्चर रेडी हो जाएगी, हमारा वो जो प्रीसेट था वो इसमें सेव हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।